हेलो आप लोगों को। चैलेंजर का ये क्वेश्चन उम्मीद है आपने बनाया होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में एक चीज आपको समझ में आया होगा कि आपके पास क्वेश्चन में ग्रामर के दो पार्ट को उसने दिया है। तीन सेंटेंस में उसने एज वेल एज दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली नहीं है, सॉरी, तीन सेंटेंस में उसने एज वेल एज दिया है और चौथे में उसने एज दो का मीनिंग दिया है। अब आप जरा देखो तो एज वेल एज का मतलब होता है इन एडिशन टू। इसको हम लोग एंड के मीनिंग से जोड़ते हैं कि ये एंड के बराबर होता है। राम एज वेल एज श्याम एंड राम एंड श्याम, दोनों का मीनिंग सेम आएगा, बट दोनों के ग्रामर में अंतर है। राम एंड श्याम में दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दे हैव कम, इसलिए एंड लगे वाले में हम दोनों को सब्जेक्ट मानते हैं और भर को पुलर लगते हैं। लेकिन राम इन एडिशन टू श्याम, राम श्याम के साथ साथ, मतलब यहां पे श्याम इज सेकेंडरी, राम इज प्राइमरी, इसीलिए राम को यहां पे सब्जेक्ट माना जाता है और तब होगा हैव कम नहीं, हैज कम हो जाता है और इसको प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन, अब अगर प्रीपोजिशन की तरह है तो इटली एज वेल एज फ्रांस ये सही है। यहां पे देखो एज वेल एज बर्ड्स, ये हो सकता है कि आपको पढ़ने में खराब लगा हो, बट अगर इसके जगह पे इन एडिशन टू लिख दो और यहां पे आप इसको यहां ले आओ तो हम उसको एज वेल एज प्लस शब्द को, जो बाकी जो शब्द लगा हुआ है, हम उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज में लेके हम उसको सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं। एज वेल एज बर्ड्स का मतलब इन एडिशन टू बर्ड्स सम मैमल्स कैन फ्लाई, कुछ मैमल्स भी फ्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये एंड वाले मीनिंग को छोड़ के अगर ये रखो और इसको जहां एज वेल एज लगा हुआ है उसके जगह पे इन एडिशन टू पुट कर दो तो आपको ऑप्शन नंबर डी भी सही लगेगा। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दो कि एज वेल एज जो लगा हुआ है यहां एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल कर दिया है। स्मोकिंग इज डेंजरस एज वेल एज इट मेक्स यू स्मेल बैड, यहां पे कंजंक्शन के तौर पे दो अलग अलग सेंटेंस डाल दिया है और एज वेल एज कभी दोनों दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम यहां पे लिख सकते थे। अच्छा, एक और चीज, एज वेल का मतलब ऑल्सो होता है और इसको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। तो हम अगर इसको शुद्ध करने के लिए अगर एंड यहां लगा दें, एंड इट मेक्स यू स्मेल बैड एज वेल, आपसे दुर्गंध भी आता है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बट एज वेल एज का यहां एज कंजंक्शन यूज गलत था। एज दो के साथ दो चीज है, कंडीशन है, आप में से कुछ लोगों को रूल याद होगा। एज दो के साथ एक हम प्रैक्टिकल सिचुएशन देते हैं और एक काल्पनिक देते हैं। जैसे वो ऐसे बात करता है, मानो एज एज दो का मतलब होता है मानो, लगता है ऐसा जैसा कि, इस टाइप के मीनिंग में वो ऐसे बात करता है मानो वो देश का प्रधानमंत्री हो, ये काल्पनिक टाइप का हो गया। और यहां देखो, इट लुक्स, ऐसा लगता है मानो जॉन इज गोइंग टू चेंज हिज जॉब, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मानो जॉन अपना जॉब बदलने वाला है। तो अगर वो काल्पनिक होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर वो एज दो के बाद का सिचुएशन अगर इमेजिनरी रहेगा तो यहां पे अगर आपको वाज का भी लगाना, पहला तो ये कि सेंटेंस हमेशा इसमें पास्ट में आएगा, प्रेजेंट का सेंटेंस, मानो वो देश का प्रधानमंत्री हो के लिए भी आपको वाज ही लगाना पड़ेगा।
पास्ट लगाना पड़ेगा, और वाज कभी नहीं लगता, सब्जेक्ट कुछ भी हो वर लगेगा। अदरवाइज अगर वाज वेयर नहीं लगाना है तो पास्ट का आप इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हो, और अगर वो प्रैक्टिकल है तो एज दो के बाद आप प्रेजेंट का आराम से इस्तेमाल कर लो। सो आपका ये सेंटेंस ग्रामेटिकली शुद्ध था। सो ओनली सी वाज रॉन्ग। मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर टू। द हियरिंग, अच्छा हियरिंग का मतलब सुनाई खाली नहीं होता है, हियरिंग का मतलब जो कोर्ट में केस भी चलता है ना तो उसको हियरिंग बोलते हैं, और वो नाउन होता है। विच हैड बीन प्लान फॉर मंडे, जिस हियरिंग का स्केड्यूल था कि वो मंडे को होगा, वॉज रीशेड्यूल्ड फॉर द फॉलोइंग फ्राइडे सो दैट ऑल विटनेसेस वुड बी एबल टू अटेंड। एरर में कहीं कुछ नहीं है। अगर आपने एरर आपको देखना है तो यहां आप देखिए, इन 1952 जापान्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन वॉज वन थर्ड दैट ऑफ फ्रांस। देखो वॉज वन थर्ड दैट ऑफ फ्रांस बाई द लेट 1970s, इट वॉज लार्जर देन द कंबाइंड जीएनपी ऑफ फ्रांस एंड जीएनपी ऑफ फ्रांस इट वॉज कंबाइंड जीएनपी। अब जरा देखिएगा आप कि सेंटेंस में आपका एरर देखिए, जीएनपी वॉज वन थर्ड दैट ऑफ फ्रांस, राम ए दिस प्राइस इज वन हाफ, क्या बिना प्रीपोजिशन के? यहां पे प्रीपोजिशन लगा के देखो पढ़ के, जापान जीएनपी वॉज वन थर्ड टू, या ऑफ भी लगा सकते, वन थर्ड ऑफ, ऑफ ज्यादा अच्छा लग रहा है, टू भी चलेगा वहां पे। आप जरा सोचो कि बिना प्रीपोजिशन के वहां पे यूज होगा, वो प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ऑलरेडी जीएनपी डाल दिया, फ्रैक्शन के बाद वन हाफ ऑफ द मैंगोज। आप जरा सोचिएगा, जब आप फ्रैक्शन डालते हैं तो प्रीपोजिशन डालते हैं। द होन्स हु वेयर मंगोलियंस इन्वेडेड गॉड, इसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज सीनेटर मार्टिन इज लेस इंटरेस्टेड इन द एनवायरमेंट देन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी समटाइम्स, यहां पे गलत से हाइफन लगा हुआ है, समटाइम्स नेग्लेक्ट्स इट। सो आपके पास एरर में सिर्फ प्रीपोजिशन का एरर था वहां पे। मूव कीजिए थर्ड पे। आपके थर्ड में आप ध्यान दीजिए, एक बहुत सटल टाइप का एरर दिया हुआ है। सटल का मतलब वो नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर यहां पे आपको मिला है तो ब्रेवो, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एरर आपके ए में है, और मैं श्योर हूं, जरा सोचिएगा कि अगर मैं ए को बोल के छोड़ भी दूं, अभी आप देखते रहो, जब तक मैं बोल रहा हूं तो आपको एरर दिखेगा नहीं शायद, और किसी मेरा नहीं है। When a candidate runs for का मतलब किसी पद के लिए, किसी ऑफिस के लिए चुनाव लड़ना। और देखो एक प्रॉब्लम, इसका एक क्वेश्चन होता है कि जब आपका यहां कॉमन नाउन सिंगुलर में दिया हुआ है तो उसके प्रोनाउन को आपको सेफली, ग्रामर अब बोलती है, पहले होता था कि सिंगुलर लगाइए, ग्रामर का अभी एक्सेप्टेबल रूल है और इसको आप गलत नहीं काटेंगे, कि इसका प्रोनाउन प्लुरल होना चाहिए, नहीं तो ही और शी दोनों में से कुछ भी डालना पड़ेगा। गड़बड़ यह है कि ही शी प्रॉपर नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूं एवरी कैंडिडेट मस्ट फिल हिज फॉर्म, तो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल कैंडिडेट्स ना, आपने जो एवरी लगाया उसके बगल में नाउन सिंगुलर होना चाहिए था, बट मीनिंग तो प्लुरल का रहा है। सो यहां दे सही है, देयर सही है, इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो, मैंने इतने देर में बोला ना, आपने ए में पता नहीं खोजा है, मिला है या नहीं मिला है, बिकॉज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिस्ट, वो जो किस चीज के निर्माण के लिए होता है, वो जो सपोर्ट करते हैं, रिकमेंड
फाइडेलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिटन, मीनिंग ये है कि ये जो लोग है ना वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो आस्था है, स्वामी भक्ति है, वो रिटन में है। इस कारण से नो वन ऑब्जेक्ट्स मोर देन देम। अभी देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि यहां पे दे लगाए, बट दे डू होता। इंटरोगेटिव के बाद अगर प्रोनाउन डालना है तो सब्जेक्ट डालोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब भी डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट का फॉर्म डालोगे तो, और अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं डालना है तो ऑब्जेक्ट का फॉर्म डालो। टू जुडिशियल री इंटरप्रिटेशन, तब जब जजेज जो लिखा हुआ है उसको री इंटरप्रेट मतलब चेंज करते हैं, तो फिर उनका उनसे ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो रिटन में जानते हैं। मीनिंग मैंने समझाया, ध्यान देना। रिकंस्ट्रक्शन में या तो एस, सॉरी री इंटरप्रिटेशन में या तो एस लगाओ, और नहीं तो टू के बाद आपको यहां पे ए नहीं लगाना होगा, एस नहीं लगाना है तो। री इंटरप्रिटेशन को आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। यहां पे यहां मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। अब ये आपका मिला होगा, देखो एक होता है ना कि हमने ए दे दिया, कारण शायद सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ में आया और हम बोलेंगे मेरा सही बन गया है, गड़बड़ ये होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फोर नंबर में, फोर नंबर में आप जरा पहला एरर तो आप देख लो, बड़ा सिंपल सा। यहां पे टॉक होगा, कैन नॉट लगा है तो यहां तो भी वन होना चाहिए, सो कैन नॉट टॉक। और दूसरा जरा याद रखिएगा, She gazed at me as कंजंक्शन के तौर पे, और कंजंक्शन के बाद एक नया सेंटेंस आया है, और नए सेंटेंस का शुरुआत हुआ है नेवर से, एक गलती यहां थी, नेवर से। और रूल ये है कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो इन्वर्सन होता है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है। तो वाज को यहां रखना पड़ेगा, शी गेज्ड एट मी एज नेवर वाज मैन्स फेस स्कैंड येट। और वैसे भी फेस के पहले ए भी आना चाहिए, क्योंकि फेस कॉमन नाउन है और वो सिंगुलर में है तो ए लगेगा। तो सेंटेंस पूरी तरह सही बनेगा कि एज नेवर वॉज अ मैन्स फेस स्कैंड येट, यहां इन्वर्सन और यहां पर तो तुम्हारा कॉमन रूल, ये दोनों सेंटेंस आपके सही थे, एकदम सही थे, वो उसमें कोई गलती नहीं है। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका पांच नंबर में आप पहले देखो, देखो सेंटेंस वो ऐसा देता है, दिया हुआ है ना यहां पे, जहां पे आपको पढ़ने में अनकंफर्टेबल लगेगा। मैं यहां देखा, आई माइट वेल से नाउ, आपको ये देखना है कि आई माइट से वेल एडवर्ब हो गया, नाउ नाउ को उठा के तुम यहां भी रख सकते हो, एंड से को वेल को से के साथ लगाया हुआ, तो अनकंफर्टेबल लगना नहीं है। आपको ये ध्यान रखने का है कि आपका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली, और इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि पार्सिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एरर होगा उसको बहुत क्लैरिटी से आप जानते होंगे। नॉट ऑन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, देखो एज आई स्टूड लुकिंग एट हिम, फेस के पहले इन ही प्रीपोजिशन लगता है, इन द फेस, इन द स्ट्रीट, ऑन द स्ट्रीट नहीं। दूसरा आप यहां देखो, प्रायर पी कैपिटल दिया हुआ है, तो ये प्रायर वो पहले वाला प्रायर नहीं है, ये रिलीजियस कोई ऑफिशियल है।
had his own reasons, however, for persevering in the course of temperance which he had adopted. Persevering के साथ preposition. Persever का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, और preposition उसके साथ with आता है. Persever with the course of action. मतलब उस कोर्स ऑफ टेम्परेंस, सहनशीलता के अपने रास्ते पर वो चारे चलते रहे. दो प्रीपोजिशनल एरर्स, आई डोंट नो सही मिला है यार. यहां पे देखो, ये आपका आंसर 6 नंबर में क्वेश्चन में आसान था, लेकिन फिर से प्रीपोजिशन. ऑन द बेड नहीं होता है, इन द बेड होता है. पहला एरर बी नंबर में. एंड दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, शी टुक अ शावर. यहां शावर का मतलब बात है, बारिश नहीं है. टुक अ बात. सो आपके पास दो एरर्स हो गए, एक टुक अ शावर, एक ले इन द बेड. एंड आंसर इज बी एंड सी. अगेन प्रीपोजिशन के छोटे वाले एरर्स. और ये प्रीपोजिशन हिंदी से नहीं चलता. बिस्तर पर लेटा हुआ है, हिंदी में पर होगा, अंग्रेजी में इन होगा. सार के साथ ए लगता है नहीं लगता है, वो डिक्शनरी सार का, उस सार का यूज बताएगा, हिंदी नहीं बताएगी उसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी आपका स्लोली हर एफर्ट्स गेव फ्रूट. ध्यान रखिएगा, यहां पे आम अमरूद अनार नहीं है, फलीभूत होना और फ्रूट में एस लगेगा. गिव फ्रूट्स एंड थिंग्स स्टार्टेड इंप्रूविंग. सो पहले वाला फ्रूट में एस लगेगा, सो आंसर में एक बी रहेगा, और बी रहेगा तो तुम्हारा आंसर आ गया. सी में देखो, एवरीवन कॉम्प्लीमेंटेड हर. कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन वन सक्सेस, किसी के सफलता पर. कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है. कॉम्प्लीमेंट समबडी ऑन समथिंग. सो बी और सी आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा ध्यान दें. हरीश टोल्ड राज टू प्लीड गिल्टी. मान लेना, प्लीड मतलब इसी से पब्लिक प्लीडर बनना है, वकालत करने के सेंस में. पब्लिक वकील को पब्लिक प्लीडर भी कहा जाता है. प्लीड गिल्टी मतलब अपराध स्वीकार कर लेना. अभी देखो, प्लीड का मतलब निर्णय लेना भी होता है, और राज प्लीडेड गिल्टी. राज को दोषी माना गया, पैसिव बनेगा, इसीलिए राज वाज pleaded guilty of stealing money from the shop. Getting? उसने कहा कि अपना मान लो, लेकिन राज को माना गया, passive बनना चाहिए. The court found Raj guilty of all the crimes he was charged with. Charge के साथ preposition with लगता है, एकदम सही है. Guilty के साथ of लगता है. अभी preposition errors है. He was sentenced to. Sentenced to का मतलब आगे में सजा दिया, कितनी सजा, कैसी सजा उसको मिली. Sentenced to death, मृत्युदंड मिला. So B and D दोनों में मिस्टेक है. अगला, next 9 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए. इसमें आप अभी देख लो, आई डोंट नो तुमने क्या बनाया था, तुम्हारे कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि इसमें कहीं भी एरर किसी के साथ नहीं है. सारे सेंटेंसेज एज इट इज, जैसे हैं वैसे सही हैं. आपको अगर लगा होगा किसी वर्ड में कि किसी वर्ड में या किसी सेंटेंस में कुछ गलती है, तो उसका एक लॉजिकल कारण लिख के मेरे से आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड कर दूंगा. ये एक नो एरर का क्वेश्चन मैंने दिया था.
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पोस्टपोन के जगह पे प्रीपोन, थोड़ा पहले हो गया, प्रीपोन मतलब पहले हो गया, आइदर यू और राम, चूंकि और लगा है तो और के बाद वाला राम सब्जेक्ट हो गया। द आर्गुमेंट एक्सप्लेन्स नाइदर व्हाट वेंट रॉन्ग नॉर हाउ इट शुड बी पुट राइट। अभी आप ध्यान देना, जो इन्वर्जन का एरर था वो एरर यहां भी होगा। अब आपके दिमाग में यहां पे भी इन्वर्जन होना चाहिए। देखो रूल ये है कि हम ऐसे लिखते हैं, Neither Ram nor Shyam did the homework। ये स्कूल की तरह ये रूल हम लोग सबको जानते हैं। एक और होता है कि आपके नॉर या और के बाद वाला आएगा, उसी से भर को एग्री करना होता है। लेकिन एक रूल ये भी है कि हम लिखते हैं, हम दोनों के साथ अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है, नाइदर नॉर को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो हम नाइदर के बाद भी पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, हमको ऐसे लिखना होगा। और जब नाइदर के बाद और नॉर के बाद फुल सेंटेंस लिखना होता है तो रूल ये है कि नाइदर लिखो, इस वर्ब से ऑक्सिलरी को उठा के बाहर रखो, मेन वर्ब को उसको, चूंकि डिड निकाल दिए तो डू में से डिड में से डिड बाहर निकालोगे तो जीरो नहीं बचेगा, वेंट में से डिड बाहर निकालोगे तो गो हो जाता है, वैसे ही। तो आपने ऐसे लिखा और नॉर के बाद भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और अगर इसी भर को इस्तेमाल करना है तो छोड़ दो, और अगर पूरा सेंटेंस डालना है तो आप अपना पूरा सेंटेंस लिखो, लेकिन इनवर्जन वहां भी होगा, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखना होगा। अब अगर इस रूल को यहां देखो तो एक चीज कंफर्म है कि यहां पे हम शुड को इट के पहले रखेंगे, लेकिन यहां पे नाइदर डिड व्हाट गो रॉन्ग व्हाट दो शब्दों का मिला जुला रूप है, द थिंग दैट। आप लोगों ने अगर रिलेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा मेरे गोल्डन रूल वाले सेक्शन में, रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बोला था कि व्हाट को जब इस्तेमाल करेंगे तो और डब्ल्यू एच के बाद आपको लगाना है, तो आपको अगर डब्ल्यू एच के बाद लगाना है तो सीधे वर्ब आ गया ना। यहां पर डब्ल्यू एच के बाद आपका क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच के बाद आपका एक सब्जेक्ट आया हुआ है, लेकिन यहां तो डब्ल्यू एच खुद सब्जेक्ट है। जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे डब्ल्यू एच सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ऑक्सिलरी वर्ब को हमने निकाल के सब्जेक्ट पहले कर लिया, लेकिन अगर डब्ल्यू एच के पहले से खुद ही सब्जेक्ट है तो हम इसका ऑक्सिलरी वर्ब निकाल के यहां पर कैसे रख सकते हैं? क्या कभी डब्ल्यू एच के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है? नहीं आता ना, इसलिए यहां पे इन्वर्सन नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पे इन्वर्सन करना पड़ेगा। नॉट ओनली गुड सर्विस बट ऑल्सो कर्टसी। सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पे गलत है। एंड कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस रियली टफ थे। एक क्वेश्चन में आपका नो एरर था, आपने नो एरर में कहीं एरर खोजा हो, क्योंकि टेंडेंसी होती है ना कि हमको एरर खोजना होता है, मिले चाहे ना मिले हम लोग कुछ ना कुछ एरर निकाल लेते हैं। तो आप मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा वर्ड था जो आपको लगा कि वो गलत था, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और बताएंगे कि ये चैलेंजर सीरीज जो भी मैं दे रहा हूं सीरियसली चैलेंजिंग है या नहीं है। अपने कमेंट्स थोड़ा बताते रहना, ठीक है, मिलते हैं हम लोग, थैंक यू सबको।